निशान यात्रा संदेश में आपका स्वागत है और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हुई है, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। चूँकि आप रामदास जी अठावले सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार के साथ रहते हैं और इस जीत में रामदास अठावले जी की भारी भूमिका है, हमारे दलित भाइयों ने जी भर के वोट दिया है बीजेपी को, इसलिए मैं रामदास अठावले को और अपने दलित भाइयों को जो बॉम्बे में हैं, बॉम्बे और पूरे बॉम्बे में जो विजय हुआ है उसमें दलित भाइयों की बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं और मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। वो यहां इस कार्यक्रम में आने वाले थे, सिस्टम भी लग गया था, दुर्भाग्यवश नहीं आ सके, चूँकि उन्हें निर्देश हुआ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, सरकार बनाने की वहाँ कवायद शुरू है। हमारी शुभकामना उनके साथ है कि बम्बई में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने और आरपीआई उसका हिस्सेदार बने। ऐसा नहीं है कि एक सीट आरपीआई को नहीं आया, हम यह मानते हैं कि यदि आरपीआई का समर्थन नहीं होता तो बीजेपी आज इतने भारी संख्या में जीत करके नहीं आती, क्योंकि गरीब और दलित और मजबूत लोगों का जो आशीर्वाद होता है उससे कमल खिलता है। क्या राय है? मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बहुत, ये पहले भी हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के सहयोग के बिना कभी सरकार नहीं बनी और ना आगे कभी बनेगी। हमारे नेता एक बहुत दृढ़ निश्चय वाले नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं, हमारी पार्टी के लोग बहुत ईमानदार हैं और ऐसे पार्टी के सहयोग से ही सरकार बननी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, पहले भी बनी, आज भी बनी और आगे भी बनती रहेगी। बिल्कुल, और मेरा यह भी दृढ़ विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग बिजली पार्क में मिले, हमारी मुलाकात हुई, वहाँ भी प्रेमचंद के राष्ट्रीय स्मारक बनने के लिए उन्होंने बनारस की रैली में भी घोषणा की कि प्रेमचंद का राष्ट्रीय स्मारक लम्ही में बनना चाहिए, मैं आपसे भी समर्थन लेना चाहता हूँ इस मुहिम में मेरा। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, साहित्यकार, लेखक, समाज को दस्तक देता है, करना सत्ता का काम है, जो लोग सत्ता में रहते हैं हमारा काम है दस्तक देना। तो प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हुए, हिंदी के साहित्यकार हुए, कफन जैसी कहानी लिखी और आज उनका एक स्मारक वीरान पड़ा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मांग करता हूँ, श्री रामदास अठावले जी से भी आग्रह करता हूँ कि इस चीज़ को, आप सरकार में हैं, सरकार के माध्यम से आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाएं कि वहाँ राष्ट्रीय स्मारक हो और जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि हमारे देश के जितने भी महान लेखक हैं उनको, जैसे हम नेताओं को नहीं भूलते हैं, ऐसे जो मार्गदर्शक जो हमारे लेखक हैं उन्हें भी हमें नहीं भूलना है और नज़रअंदाज नहीं करना है। जी, और मुंशी प्रेमचंद की तो कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और उन्होंने हमेशा समाज को एक मैसेज दिया है अपनी कथाओं में, अपनी कहानियों में। और आपका ये जो सपना है, ये रामदास अठावले जी का भी सपना है और पूरे देश के लोगों का सपना है, ये है कि कई चीज़ें देश के नागरिक अपने मन में रखते हैं और प्रकट नहीं करते हैं, आप उनके मन की जो बातें हैं उनको प्रकट कर रहे हैं और आपके जो विचार हैं उनसे पूरा देश आपका साथ देगा और हम ज़रूर आपका साथ देंगे और ज़रूर स्मारक बनेंगे। पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बेचने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने आते ही बम्बई और दिल्ली में हजारों करोड़ रुपये के बजट दिए और बाबा साहब को मान सम्मान दिया। उस मान सम्मान में डॉक्टर रामदास अठावले की परम भूमिका है, लंदन से भी उनकी सामग्री को हिंदुस्तान ले आए, ये अठावले साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, एक अधम व्यक्ति हूँ, रैदास हूँ, मैं एक बाबा साहब भीमराव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक अध्ययन केंद्र चलाता हूँ जो पटेल नगर, और लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप मुझसे मुफ्त किताब लीजिए, लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि बाबा साहब के बारे में यह है कि वो सिर्फ कानून के, बाबा साहब ने नोटबंदी का सबसे पहले समर्थन किया था और कहा था कि नोटबंदी समय समय पे होना चाहिए और जाति प्रथा पे जितना बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा उतना किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा।
तो मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके मंत्रालय के ठीक सामने अंबेडकर प्रतिष्ठान है, कभी वहाँ जाकर देखें और उसको बदलने की कोशिश करें। ये करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है मैंने राज बहादुर जी से। मेरा काम है कहना, आपका काम है करना। हम लोग तो एक समाज सेवी हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई सांसद नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, मिनिस्टर नहीं। हम समाज को नई दिशा देते हैं, ज्योति देते हैं। हम तो ज्योति के पुंज हैं। हम पदयात्रा करते हैं, आदरणीय मुनि कनी राजेंद्र विजय महाराज से मैं आशीर्वाद लेकर के आया और उत्तर प्रदेश की जनता को बताया कि अंतिम आशीर्वाद मोदी को दो, यदि मोदी को आशीर्वाद नहीं दोगे तो यह देश गुलाम हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के अंतिम चरण हो रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में जो दलित भाई हैं जहां जहां हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए सीट आए और न आए इसका उत्तर नहीं है, प्रश्न है कि हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। क्या राय है? मोदी जी ने जो हमारे देश का चेहरा देशवासियों के सामने और वर्ल्ड के आगे इन्होंने हमारे देश का चेहरा प्रकट किया है जो कि छुपा हुआ है, उस चेहरे को देखने के बाद में जो भारतीय वो भी बहुत अपने ऊपर उसको प्राउड फील होता है कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ। हम भूल गए थे कि हम कौन हैं, हमारा समाज भी भूल गया था कि हम कौन हैं। मोदी जी ने अपने विचारों से और अपनी अपनी जो उनकी ग्रुप है उससे उन्होंने देश में और विदेश में एक नया चेहरा हमारे देशवासियों का दिखाने के बाद में हमारे अंदर भी एक नेशनल प्राइड जो कि मर गई थी किसी न किसी स्थान पर उसको वापस जागृत किया है। एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जातियों के लिए वो सोचते हैं। जी जी, देखिए अगर मुस्लिम अपने लिए सोच रहा है या सिख अपने लिए सोच रहा है तो हिंदू का भी हक है अपने बिल्कुल, सोचने बिल्कुल, का। बिल्कुल, तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है और भारत के अंदर हम सब भारतवासी रहते हैं, सब जातियाँ मिलकर रहती हैं, तो हर एक जाति का सम्मान होना चाहिए। अगर मुस्लिम का हो रहा है तो हिंदू का भी, तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ईसाई का भी, सब है भाई भाई, सब है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम जो अभी मतदाता रह गए हैं, मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान सही है वही सच्चा मुसलमान है, तो मुसलमान भाइयों की सोच बदलने की ज़रूरत है। आइए, मोदी खौफ नहीं है, मोदी से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिएगा तो मोहब्बत आपको मोदी देगा, मोदी से घबराइए नहीं और एक बार मोदी को आशीर्वाद दीजिए। यह मैं आपके माध्यम से और तमाम जो लोग रह गए हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी नहीं फकीर है, ये हिंदुस्तान की तकदीर है, आप एक बार आशीर्वाद दे करके देखो। मेरा विश्वास है, अभी भी आशा की किरण मुझे मोदी में लगती है। मोदी मोदी मन से, मोदी मन से राम, मन से मोदी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।